नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राहुल टेज में। दोस्तों, आज किस वीडियो में करने वाले हैं कि बहुत ही मज़ेदार क्लास टेंथ का भूगोल का ये यूनिट वन का यक्का है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था संसाधन, पढ़ा था और उसको उपयोग पढ़ा था। तो आज किस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग भूमि एवं मृदा संसाधन, भूमि एवं मृदा संसाधन। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, जितने पृथ्वी पर जीव जंतु है, वह पृथ्वी जो दो भागों में बटे, एक स्थल और एक जल, एक जल और एक स्थल। तो आज हम उसी स्थल के बारे में बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर 29% स्थल है और 71% क्या है, जल है। 71% क्या है, जल है, जल का विस्तार है। यानी कि पृथ्वी पर 29% क्या है, केवल स्थल समझे भूमि है, और 71% पर केवल क्या है, जल है। यानी कि सफा जो सागर समुद्र होते हैं वो 71% में आते हैं, और जो हम लोग मैदान क्षेत्र हैं, पठार जो पर्वत सारा होता है, ये सब कहाँ में आता है, स्थल में आता है। जैसा कि स्थलाकृति, स्थलाकृति समझते हैं कि स्थल की आकृति जो है 3 प्रकार की होती है। जो स्थल की आकृति वह 3 प्रकार की, पर्वत, पठार और क्या चीज, मैदान। सबसे ऊंचा क्या होता है, तो सबसे ऊंचा हमारा क्या पर्वत होता है, सबसे ऊंचा क्या होता है पर्वत, उससे हल्का सा कम ऊंचाई पर क्या होता है पठार होता है, और बराबर जो क्षेत्र होते हैं मैदान कहते हैं। जो ये देखिए पर्वत होता है, ये ऊंचाई से इस रहता है, इसका कार्य ये होता है, और जो पर्वत होता है ये कहीं ऊंच रहेगा तो यहाँ हल्का सा खाल रहेगा, ढलाहू टाइप रहेगा, इसे हम पठार कहते हैं। मैदान क्या होता है, हमेशा बराबर रहते हैं, इसी को हम मैदान कहते हैं। अक्सर मैदानी क्षेत्रों में ही अधिकतर लोग कैच निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का निवास स्थान कम होता है, जबकि पर्वत, जबकि मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, रहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कि भारत में स्थलाकृति का विस्तार कहाँ पर कैसा है। देखिए, भारत में पर्वत जो है वो 30% है, स्थल की आकृति जो है, जो ये स्थल है, स्थल है, उसमें पर्वत जो है वो 30% भागों पर फैला हुआ है, और पठार 27%, मैदान कितना 43%। यानी कि जो भारत में पूछ देगा कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो 30% और पठार कितना है तो 27, और मैदानी क्षेत्र कितना है तो ये हमारा कितना है, मैदानी भाग हमारा 43%। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में मैदानी क्षेत्र कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, तो कितना हो जाएगा 43, ठीक है ना। यहाँ से सारा के सारा क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, जो आपका बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है, या फिर जो आपके किताब में जो दिया गया है, वो सारा के सारा क्वेश्चन ऐसे कवर कर लेंगे, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आता है वो सारा इसी में से क्वेश्चन आएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा सब इसी में से। ये सारा के सारा नोटेड पॉइंट है, इसको आप पढ़ने के बाद बहुत ही मजा आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग उपयोग के आधार पर भूमि पढ़ते हैं। उपयोग के आधार पर भूमि को 3 प्रकार में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में, एक उर्वरक भूमि, और एक ऐसी अनु उर्वरक, और एक ऐसी प्रतिभूमि। उर्वरक भूमि किस बात, इस पर मतलब उर्वरक की कैसी मात्रा होती है, इसे हम उर्वर भूमि कहते हैं। अनुर्वर, इस पर उर्वरक की मात्रा नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं, अनुर्वर, या उसे बंजर भूमि कहते हैं, जहाँ पर कोई फसल ही नहीं होता है। एक होता है प्रतिभूमि, यहाँ पर इसी प्रतिपरा ऐसा कोई पूछने वाला नहीं, इसे हम प्रतिभूमि कहते हैं। तो उपयोग के आधार पर भूमि 3 प्रकार के होते हैं, उर्वरक भूमि और अनुर्वर या बंजर भूमि, या इसको व्यर्थ भूमि कहते हैं, और तीसरा क्या होता है, प्रतिभूमि। देखिए, भूगोल जो है उसके केवल नाम से वो सारा पता चल जाएगा। भूगोल कोई भारी चीज है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब देखिए, भूमि तथा मृदा, भूमि तथा मृदा, मृदा को हम मिट्टी कहते हैं, मृदा को हम कहते हैं मिट्टी कहते हैं। भूमि तथा मृदा प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरण जिसे पिछले वीडियो में बताया था, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा उसमें बताया था हमने कि नवीकरणीय संसाधन कहते हैं वैसे संसाधन जिसको पुनः उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। तो जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो कैसा संसाधन है, नवीकरणीय, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी धान के भी सीजन है, हमने धान बोया, एक बार उपयोग कर लिया, फिर इसका अगला जो गेहूं का सीजन आएगा तो उसमें फिर गेहूं बोएंगे, फिर उपयोग करेंगे, फिर अगला कुछ फसल आएगा वो बोएंगे, यानी कि इसको हम पुनः उपयोग हमेशा लाते रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, या पुनः पूर्ति हो गया, वैसा संसाधन जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, मतलब दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय। अनवीकरण क्या होता है, कोयला, जिससे कोयला कभी जलाएंगे दोबारा उसको उपयोग नहीं लगे, इसलिए क्या जाएगा, अनवीकरणीय। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को एक बार उपयोग करने से दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकते, वो सब क्या होता है, अनवीकरणीय। ये सब पिछला वीडियो बता दिए, अगर नहीं देखें तो उसको जाकर देख, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, तो भूमि जो है हमारा ये नवीकरणीय संसाधन है, और ये कैसा प्राकृतिक संसाधन है। देखिए,
अगला नोट जो है, चट्टानों के टूटने फूटने से सड़ने गलने अथवा भौतिक रासायनिक तथा जैविक अपक्षयों के द्वारा मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण, मिट्टी निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से बहुत सारे चट्टान टूटेंगे फूटेंगे सड़ेंगे गलेंगे, या फिर भौतिक रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जैविक अपक्षयों के द्वारा मृदा क्या होता है, निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया एक धीमी एवं एक जटिल प्रक्रिया है। जो मृदा का निर्माण होता है उसमें बहुत सारा समय लग सकता है, बहुत काफ़ी समय लग जाता है 1100 करोड़ साल पहले, 1200 करोड़ साल पहले, इतना समय लगता है मृदा का निर्माण होने में। इतना लिए मृदा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए बताया गया है कि जो मृदा का निर्माण एक प्रक्रिया एक धीमी एवं एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है। समझ गए, अब समझ जाते हैं। मृदा में उपस्थित जीव जंतु एवं सड़े गले अवशेषों को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। देखिए ह्यूमस किसे कहा जाता है, जीव मृदा में उपस्थित सड़े गले जंतुओं पेड़ पौधों के सड़े अवशेषों को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। जब मृदा के अंदर बहुत सारे जीव जंतु सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, या पेड़ पौधे मरते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ह्यूमस पूछता कि ह्यूमस किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर या फिर बोलते हैं मृदा में उपस्थित जीव जंतुओं को सड़ने गलने अथवा अवशेषों को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक ना, मृदा में उपस्थित जीव जंतुओं को सड़े गले अवशेषों को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। जीव जंतुओं पेड़ पौधों भी होंगे, ठीक ना, यहाँ पर पेड़ पौधे भी डालना, जीव जंतुओं को पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेषों को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। देखिए भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी कि भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला पाई जाती है जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लैटराइट मृदा, पाँचवा मरुस्थली मृदा, और छठा क्या चीज, पर्वतीय मृदा। ये सारे मृदा को हम बारी बारी से पढ़ें। हम लोगों ने पहला इसमें हेडिंग किया जलोढ़ मृदा, जलोढ़। इसका नाम से हमको कुछ पता लगता है, इसको हम संधि और इसका विच्छेद करते हैं तो जलोढ़ का जल जोड़ ओढ़, मतलब समझते हैं, जल कोढ़ा हुआ वह मिट्टी जो जल ओढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका निर्माण कैसे, समझिए पहले कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। आप लोग देखते हैं कि जो बाढ़ वाल का पानी आता है, फिलहाल में बाढ़ आया था, बाढ़ जब आता है तो सबसे पहले उसमें कुछ मिट्टियाँ बहकर आती है, उसमें कुछ कहते हैं मिट्टी बहकर आती है। जैसे कि आप जब बाढ़ का पानी देखेंगे तो हल्का सा भूरा टाइप रहता है वो पानी, वो प्योर साफ पानी नहीं रहता, वो भूरा टाइप रहता है। उसमें क्या होता है तो बहुत सारे मिट्टियों का बदलाव होता है, यानी कि जिधर गया उधर से अपना मिट्टी छोड़ दिया और वहाँ का मिट्टी का उलट फेर कर दिया। तो जल जैसे कि बाढ़ आता है, बाढ़ मान लीजिए नदी हमारा हो गया, नदी हो गया तो पानी इधर जब बाढ़ है इधर पानी फैलेगा इधर पानी फैलता है, यानी कि दोनों तरफ क्या करता है, कटान लाता है। यानी क्या कहते हैं, यहाँ की मिट्टी को काट लेता है और अपना मिट्टी क्या करता है छोड़ देता है। तो जब वहाँ पर मिट्टी जल ओढ़ लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। मतलब कि वहाँ की मिट्टी जब नई हो जाती है और वहाँ की मिट्टी क्या होती है, चली जाती है। बाढ़ क्या करता है, बाढ़ का पानी अपना मृदा छोड़ेगा और यहाँ की मृदा काट के लेकर चला जाएगा। तो यहीं पर लिखा गया है कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, ये कब बह करता है, तो यह आता है बाढ़ के समय। देखिए भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार बहुत ही सर्वाधिक है। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक है और ये विस्तार लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। यानी कि भारत में पूछेगा कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। दूसरा नोट एडिशनल पॉइंट, जलोढ़ मृदा को देखिए, जलोढ़ मृदा में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही काफ़ी होती है। जल धारण किसे कहते हैं, जिसे उसको जल लेने की, सोखने की उसमें आवश्यकता, उसमें क्या होता है, धारण उसमें ज़्यादा क्षमता होती है। मतलब उसको जल की सूखने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही काफ़ी होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोल सकते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगला नोटेड है कि यह मृदा धान की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी कि यह धान की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है।
उसके साथ साथ देखिए इस मृदा को उत्तर बिहार में, उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को दियारा भूमि कहते हैं। जलोढ़ मृदा को कहाँ पर, उत्तरी बिहार में क्या कहते हैं, तो इसमें हम कहते हैं दियारा भूमि, जिसमें दियर कहते हैं हम लोग कहते हैं दियर कहते हैं। तो दियर को ये कहाँ कहते हैं, उत्तरी बिहार में। तो हम लोग इधर उत्तरी बिहार में, जाएंगे तो उधर लोग क्या कहेंगे, जहाँ पर जलोढ़ मृदा रहेगा उसमें क्या कहेंगे, और बालू प्रधान होना चाहिए कहाँ पर, जैसे कि जो नदी के जो सोन के किनारे वाले लोग हैं उस लोग कहते हैं दियर कहते हैं, सोने किनारे लोग क्या कहते हैं दियर कहते हैं, कि मतलब दियर में ये बोया हुआ है, दियर में आलू बहुत काफ़ी होता है। तो दियर किसे कहते हैं, तो उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा में कहते हैं दियर भूमि कहता है। वहाँ पर मक्का बहुत काफ़ी होता है, आलू बहुत काफ़ी होता है। तो यह जो मृदा होता है यह मक्का के लिए, मक्का के फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अब देखिए मृदा को अभी बताएं कि जलोढ़ मृदा ये आयु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कि द्वारा क्या दो प्रकार के। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं कि ये नदी हमारा है, ये नदी है, इधर पानी आया, इधर का कुछ मृदा जो है हमेशा ये बदलते रहता है, हर एक साल क्या होता है, बदलते रहता है। कभी देखते हैं कभी कम बढ़ाता है, कभी कहता है ज़्यादा बढ़ाता है। जब बाद ज़्यादा बढ़ाएगा तब इधर पानी जाएगा, कम बढ़ाएगा तो इधर ही रह जाएगा इसका आस पास में। तो जब कम बढ़ाता है, जब कम पानी आता है तो इधर का ही केवल मृदा का उलट फिर हुआ। कभी कदाल 4 साल पर 5 साल बढ़ाता है तो दूर दूर तक पानी चल जाता है, पूरे गांव बहने लगता है। मतलब कि कुछ दूर पानी कब जाता है, अगला जो मिट्टी है, मान लेते हैं कि ये एरिया है इसका सीमित एरिया, और जब बाढ़ आता है तो इधर तरफ आ जाता है। तो इधर कब आता है, जब पूरा बाढ़ आएगा तब, यानी कि बहुत दिनों बाद 4-5 साल बाद जब आता है तो वहाँ के मृदा क्या होता है, उलट फिर हो जाता है। फिर तो यह हर एक साल इधर आते रहता है। तो इसको जो हमेशा देखिए प्लटते रहता है, जो हमेशा मृदा प्लटते रहता है इसको हम कहते हैं खादर मृदा, और जो ये कभी कदाल बाढ़ के कारण बदलते रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर मृदा। खादर मृदा का नाम दूसरा क्या है, नवीन जलोढ़, और बांगर का नाम क्या है, पुरानी जलोढ़ या पुराना जलोढ़। इसमें क्या होता है, जिसमें बालू और मृद का क्या होता है, मिश्रण होता है। जब आता है बाढ़ का पानी तो उसमें क्या होता है, बालू होगा और क्या होगा, मृत, मतलब कि मरे हुए सड़े हुए जीव पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यह बालू में, यह बालू एवं मृत का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। एक बार समझिएगा आप लोग, देखिएगा कि नदी के किनारे जो भी जगह है उसमें काफ़ी मात्रा में वहाँ पर फसल होती है, जबकि जो अगल बगल के खेत होते हैं उसमें हमको खाद छिड़ते हैं तब फसल होता है। इधर खाली ऐसे वो छिड़ देंगे ना कुछ हो, ऐसे कुछ बो देंगे तब वो हो जाएगा हमारा। इसलिए यह काफ़ी उपजाऊ होती है, जबकि इसमें क्या चाहिए, बांगर वाला में, बांगर में क्या होता है, जिसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। और यह खादर से क्या होता है, कम उपजाऊ होता है, खादर से क्या हमारा कम उपजाऊ होता है। चलिए आगे देखते हैं, काली मृदा यानी काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी जो होता है ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना होता है, यह इसका निर्माण होता है काली मृदा का। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग काला होता है, काली मृदा इसका नाम ही नाम प्रत्यक काला, यानी इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसका काला होने का कारण क्या है, तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसमें इस मिट्टी में एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। वही क्या है कि अल्मोनियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। काली मृदा सबसे कोई सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो ये इसमें कपास उपजाऊ होती है। जैसे कि देखेंगे काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, उधर का जो एरिया उसमें क्या चाहिए, बहुत मात्रा में कपास पाई जाती है, जहाँ से वस्त्र बनते हैं, कपास के सारे हमारे शर्ट व जो भी वस्त्र हैं वो बनते हैं। तो काली मृदा में कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, अतः इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, इसे कहते हैं कपासी मृदा भी कहा जाता है। देखिए काली मृदा का स्थानीय जो नाम होता है इसका नाम रेगुर मृदा कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि काली मृदा का स्थानीय नाम या दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम कहते हैं रेगुर मृदा, जब स्थानीय नाम कहते हैं रेगुर मृदा, यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी क्या होता है, इसका नाम से पता चलता है इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है।
यह ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी के क्या निर्माण होता है? ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से किसका निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। और बेसाल्ट चट्टान टूटने से किसका निर्माण होता है? तो उसका होता है हमारा और काली मृदा का। ग्रेनाइट टूटने से लाल और बेसाल्ट टूटने से काला, ग्रेनाइट टूटने से लाल और बेसाल्ट टूटने से काला, ये याद करना हमेशा। एग्जाम में पूछता है हमेशा कि ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से किसका निर्माण होता है? काली मृदा का, लाल मृदा का, पर्वतीय मृदा का, या फिर मरुस्थलीय मृदा का। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा लाल मृदा, ठीक ना। इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति कारण जो इसका कि रंग लाल क्यों होता है, लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? देखिए इसमें क्या होता है, तो इस मृदा में ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। इसमें ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या चीज? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? इस मिट्टी का रंग हमारा लाल होता है, लाल होता है। इसमें क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन समझते हैं मतलब लोहा वोहा, इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लोहा का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इस मिट्टी का वैसा ही करूँ मतलब लाल टाइप हो जाता है। बात समझ में? तो लाल किस अब कह रहे हैं कि जल की समायोजन कर के पश्चात इस मृदा का रंग पीला होता है। हाँ देखिए, लाल मृदा पर उस मृदा का बड़ी खूब यह खासियत है कि उस मिट्टी पर अगर पानी पड़ जाता है तो उस मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीलापन होने लगता है। पूरा पीला नहीं, पूरा येलो नहीं, येलो की तरह होता है, पूरा पीला नहीं। इस मिट्टी का अगर इस पर लाल, जो लाल मिट्टी है, इस पर पानी पड़ जाता है तो इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है। यह जो मृदा है या वो कहाँ देखने लगती है? यह पठारी क्षेत्रों में मिलेगा। कहाँ पर? पठारी क्षेत्रों में, जो दक्कन के पठार है या जो भी पठार है वो पठारी क्षेत्रों में आपको मिलेगा देखने के लिए। कौन? तो ये हमारा लाल मृदा। अब चलते हैं लेटराइट मृदा। देखिए लेटराइट मृदा क्या है? तो लेटराइट मृदा लेटराइट मृदा जो निर्माण हुआ है यह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। किस भाषा? लेटर से, जिसका अर्थ होता है ईंट, ब्रिक, मतलब ईंट। ईंट समझते हैं ना, जो मकान वकान बनता है उसी को ईंट कहते हैं, या जो ढेला से मारते हैं वो ईंट कहते हैं, जो कपार का फोड़ देते हैं मार करके वो भी ईंट होता है। तो देखिए लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा का लेटर शब्द से निर्मित हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है? ईंट। मतलब कि जो लेटराइट मृदा होता है या कैसा होता है? ईंट के कलर, ईंट मतलब इस मृदा का जो कलर होता है वह ईंट के कलर का होता है। इस मृदा का तापमान जो होता है ऊंच एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया। देखिए यह मृदा जो होता है यह ऊंच तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? पाई जाते हैं, मतलब जहाँ पर अधिक वर्षा हो और तापमान भी क्या हो? ज़्यादा हो, तो वहाँ पर यह मृदा पाई जाती है। तो यह मृदा ऊंच तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण निक्षारण प्रक्रिया द्वारा होता है। ये सारा के सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हर एक क्वेश्चन आप ये पढ़ने के बाद एक बार बुक उठाइएगा ना तो सारा के सारा ऑब्जेक्टिव मार दीजिएगा बिना देखे ही। इस मृदा का निर्माण जो होता है निक्षारण प्रक्रिया द्वारा होता है। इस मृदा का विस्तार प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में होता है। इसका विस्तार कहाँ है? पठारी क्षेत्रों में। देखिए पठारी क्षेत्रों में जाएगा आपको वहाँ पर लाल मिट्टी अधिकतर मिलेगी। तो ये भी मिट्टी जो होता है ये लाल मिट्टी के मिलता जुलता रूप होता है लेटराइट मृदा। इसका रंग प्योर लाल होता है। इस पर पानी पड़ेगा कुछ पड़ेगा वह नहीं असर पड़ेगा, लाल का लाल ही होता है। जैसे आप लोग देखेंगे रोड रोड बनता होगा ना, तो रोड रोड में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मृदा रोड पर देखेंगे लाल जो मृदा होता है जो गिट्टी में मिलाकर लाता है, तो वही यह मृदा पाई जाती है लेटराइट मृदा। वह लेटराइट मृदा ही होती है जिस पर पानी पड़ेगा तो पर कोई दिक्कत उसमें ना है, या फिर उसका तापमान ऊंच भी रहे तो उससे कोई फर्क उसको पड़ने वाला है नहीं। वह मृदा को लेटराइट मृदा कहते हैं। यह मृदा जो होते हैं चाय की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसे असम उसम में जाइएगा, असम में सिक्किम उधर, तो उधर यह मृदा आपको मिलेगा लेटराइट मृदा। इसमें सबसे अधिक कौन फसल होती है? सबसे अधिक इसमें चाय होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल से ही पता चलता है जहाँ पर क्या चाहिए मरुस्थल हो। मरुस्थल भारत में कहाँ पाया? तो पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा। कहाँ? राजस्थान मरुस्थल है। तो बोल सकते हैं कि भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। और भारत में मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। तो भारत के राजस्थान राज्य मरुस्थलीय मृदा का क्या है? विस्तार है। पूछा क्वेश्चन कि भारत में मरुस्थलीय मृदा विस्तार किस राज्य में है? पंजाब, बिहार और गुजरात और क्या असम। तो कहाँ पर? हमारा राजस्थान में। अब मरुस्थलीय मृदा में देखिए नमी तथा ह्यूमस का भाव नहीं होता। इसमें नमी नहीं होता है क्योंकि देखिए जब वो खाली बालू ही बालू, खाली रेत ही रेत होता है, तो रेत में नमी मतलब उसमें नमी का मतलब गीलापन उसमें कम होता है, उसमें ठंडापन कम होता है। ह्यूमस इसमें सड़े गले पदार्थ आपको सड़े गले पदार्थों के अवशेष आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे।
इसलिए इसमें मरुस्थल मृदा में नमी एवं ह्यूमस से क्या होता है, अभाव होता है। कारण क्या होता है कि देखिए मिट्टी जो होता है वो जब काली मिट्टी रहेगा या फिर रेगुर मिट्टी रहेगा या फिर रहेगा हम लोग पढ़े थे जरोड़ मृदा रहेगा, तो उसमें कोई भी पदार्थ जाता है तो उसको सड़ा गला करके फिर मृदा बना लेता है। लेकिन जो बालू होता है, बालू में कुछ भी रख देंगे तो ज्यों का त्यों ही रह जाता है, इसलिए इसमें ह्यूमस से क्या होता है, अभाव होता है। इसमें ह्यूमस सर्वेगल भी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि इसमें नमी तथा ह्यूमस से क्या होता है, अभाव होता है। अब पर्वतीय मृदा, इससे हमको जाहिर से होता है कि पर्वत की बात कर रखा है। यह मृदा जो होता है, यह मृदा भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, देखिए भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी का क्या है, विस्तार है, पर्वतीय मृदा का विस्तार है। जैसे भारत के पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन हो जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर मतलब जो हिमालय के क्षेत्र वाले हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, उधर अरुणाचल प्रदेश, वो जो क्षेत्र है वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, हमारा पर्वतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और वहाँ पर यह मृदा पाई जाएगी, कौन मृदा, पर्वतीय मृदा। यह पर्वतीय मृदा पर फल तथा सब्जियों का क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर पानी का लगाव बहुत कम होता है, पानी पड़ेगा सारा पानी नीचे पर गिर जाएगा। अभी आप लोग देखेंगे तुरंत दशहरा और दशहरा में आप लोग आलू आ जाता है, आलू आने कहाँ से आता है, ये पर्वतीय मृदा से ही आता है। पर्वतीय मृदा पर सब्जी बोएंगे तो वहाँ पर पानी नहीं लगता है, पानी लगने के कारण वहाँ के फसल जो होता है वह सड़ता गलता नहीं। लेकिन वहाँ की बात करते हैं तो केवल वहाँ के लोग आलू खाने से, फल खाने से, सब्जी खाने से नहीं जी सकते हैं, वहाँ के भी लोगों के लिए चावल की आवश्यकता होगी, गेहूँ की आवश्यकता होगी। वो लोग कैसे गेहूँ की आवश्यकता करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो मृदा होती है वो ऐसे 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 रहेगी, तो इस पर नहीं हो सकता है भाई, या फिर ऐसे ऐसे रहेगी हमेशा ढलाऊ टाइप पर, हमेशा क्या ढलाऊ टाइप पर, तो वहाँ के लोग कैसे करते होंगे अपना फसल का उत्पादन। देखिए वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या को कम करने के लिए सोपानी कृषि की जाती है। आपको सोपानी कृषि का एक छोटा सा बस शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा आपको। सोपानी कृषि क्या होता है, समोच कृषि क्या होता है, सोपानी कृषि या समोच कृषि क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब वृत्ताकार, पर्वतीय क्षेत्रों में जब वृत्ताकार रूप से खेतों की जुताई कर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सीढ़ीनुमा समझते हैं, मतलब कि सीढ़ी पर ऐसे ऐसे ये खेती हुआ, फिर इधर इस पर पानी गया, ये पानी कहाँ चला गया, इस पर चला गया, फिर ये खेत पटा, फिर ये खेत पटा, मतलब सबसे पहले ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, ऊपर से पड़ते 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 कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। इसी को बोलते हैं सोपानी कृषि या समुच्चय कृषि। पर्वतीय क्षेत्रों में जब वृत्ताकार रूप से खेतों की जुताई कर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कृषि या सोपानी कृषि कहते हैं। यह कृषि यह जो उत्तराखंड राज्य में क्या बहुत कहीं प्रचलित है, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है वो काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर है, काफ़ी क्या पर्वत है, तो यह उत्तराखंड राज्य में समुच्चय कृषि क्या है, प्रचलित है। पटिया कृषि, देखिए एक और होता है पटिया कृषि, यह क्या होता है, जैसे कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में हवा चलती है, तो जब हवा चलेगी तो कोई फसल बोएंगे वो फसल क्या हो जाएगी, नीचे तरफ गिर जाएगी, तो वहाँ पर लोग कैसे अपना जिएंगे, अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, वहाँ तो लोग मर जाएंगे, नहीं वहाँ के लोग क्या करते हैं, तो पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में जहाँ पर पवन ज़्यादा होता है, जहाँ पर हवा ज़्यादा बहता है, उस क्षेत्र में खेतों के बीच घास की चौड़ी पट्टी, यानी पूरा घास की चौड़ी पट्टी लगा करके, पूरा काफ़ी मात्रा में घास की चौड़ी पट्टी क्यारी बना करके लगाई जाती है, और उसके पास में फसल को हम रोपण करते हैं, उस हम क्या कहते हैं, पटिया कृषि कहते हैं। अर्थात पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में खेत के बीच घास की चौड़ी पट्टियाँ क्यारी के रूप में लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पटिका कृषि कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को